हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मेरी जो आज की रेसिपी है वो बहुत ही झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, जिसमें मैंने कतला फ़िश का यूज़ किया है। तो मेरी रेसिपी का नाम है कतला फ़िश करी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम कतला फ़िश लिया है और उसे धो लिया है अच्छी तरह से। सरसों का तेल, हल्दी, नमक, तेज पत्ता और काली सरसों, जीरा, गरम मसाला, धनिया और रेड चिली पाउडर, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च, नींबू, धनिया पत्ता। तो चलिए अब हम मछली में नमक और हल्दी मिलाएंगे और हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हल्दी सब में एक बराबर लग जाए अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से मैंने सबको मिक्स कर लिया है हल्दी। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे, आप अपने हिसाब से तेल ले सकते हैं। तेल गर्म होने पे हम इसमें डालेंगे मछली एक एक करके। गैस के फ्लेम को तेज रखना है। फिश को कभी भी हम तेज़ गैस पे ही फ्राई करते हैं। देखिए एक साइड ये हो चुका है, तो अब हम इसे पलट लेते हैं, ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए ये कितना लाल मैंने फ्राई किया है, इसी तरह आपको भी फ्राई करना है। इसी तरह मैं बाकी फ़िश को भी फ्राई कर लेती हूँ और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये देखिए इस तरह से हमें फ्राई करना है। अब हम कढ़ाई में उसी तेल में हम डालेंगे तेज पत्ता। ये तेल कम से कम 4 से 5 चम्मच है। काला सरसों और हरी मिर्च थोड़ा देर से चलाएं। इसके बाद डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम प्याज, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब प्याज थोड़ा नरम हो जाए तो हम डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी। इसे मैंने किस क्वांटिटी में यूज़ किया है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला जले नहीं और अच्छी तरह से पक जाए। देखिए इस तरह से हमें चलाते रहना है, मीडियम गैस रखना है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, इसे भी अच्छी तरह से मिला लें ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा मैंने पानी डाल लिया है कि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। ढक्कन लगा दें, बीच बीच में इसे इसी तरह से चलाते रहिएगा। देखिए मसाला पक के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे ताकि ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ढक्कन लगा देंगे, उसके बाद एक उबाल आने दें। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें डालेंगे फ़िश। एक एक करके सारी मछली हम इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक, नींबू का रस और धनिया पत्ता डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस को बंद कर देना है अब, क्योंकि मछली बनके तैयार हो चुका है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये झटपट रेसिपी है। ढक्कन लगा दें, अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है, जल्द तैयार हो जाती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल बटन ज़रूर ऑन करें।